हमने यहाँ पर फादर टू सन पोएम के बारे में आपको बताया था। इसकी समरी एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। ये पिता और पुत्र के बीच में जो जनरेशन गैप होता है, पीढ़ियों का अंतर, सोच का अंतर, उसी के बारे में यहाँ पर कवि ने यूनिट में लिखा हुआ था और यही इसमें फादर टू सन का कॉन्सेप्ट है। इसमें पिताजी की सोच और उसके बेटे की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इन्होंने अपने ऊपर पर्सनलाइज किया, यानी खुद के ऊपर किया, और ये सार्वभौमिक सत्य है। इसी को कवि ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और यही हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, फादर टू सन, और इसी के हम यहाँ पर आज क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। हर घर में ये कहानी होती है, पिता और पुत्र, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतर होता है, और इसी अंतर को हमने यहाँ पर कवि ने कविता के फॉर्म में बताया हुआ है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और उनको एक साथ रखना भी संभव नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएम टॉक अबाउट एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज फेयरली यूनिवर्सल। यानी इसमें ये लेखक पूछ रहा है, डज द पोएम टॉक ऑफ एक्सक्लूसिवली, यानी पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से पर्सनल यानी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस यानी अनुभव है कि यह पूर्ण रूप से यूनिवर्सल है, यानी कैसा हो गया, सार्वभौमिक सत्य है। ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोयम में लिखा हुआ है वह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुभव है या सार्वभौमिक सत्य है। इसका आंसर हो तो देखिए, पोयम डस टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी यह पोयम पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर आधारित है जो कवि के ऊपर गुजरी है उसके पुत्र के कारण। हाउएवर वी कैन ऑल्सो कॉल इट फेयरली यूनिवर्सल, फिर भी हम इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि हमेशा दो पीढ़ियों के बीच में अंतर होता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध, ठीक है, अपोज करना, ठीक, क्योंकि दो पीढ़ियों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस इज क्वाइट कॉमन इन मैनी हाउस होल्ड्स, क्योंकि यह विरोधावास लगभग सभी घरों में होकर मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेशन गैप, जनरेशन गैप यानी पीढ़ियों की सोच, पीढ़ी का अंतर, ठीक है ना, हमारे दादाजी फिर पिताजी उनके बीच में अंतर था, फिर पिताजी और बेटे के बीच में है, ये हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समय काल परिस्थिति एकदम से चेंज होते हैं। वेयर पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, जहाँ पर जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे के हमेशा रक्षा और अंडर में रखना चाहते हैं, ट्राई टू गाइड देम इन लाइफ एंड चिल्ड्रन फाइंड देयर वैल्यूज टू ओवर बेरिंग, जहाँ पर क्या होता है कि माता पिता तो बच्चे को हमेशा गाइड करना चाहते हैं और ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही बर्डन होता है और ये ज़्यादा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं कवि ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
How is the father's helplessness brought out in the poem? इस कविता में जो कवि है वह अपनी असहायता यानी वो अपने आप को कैसे असहाय बताना चाहता है. The helplessness of the father is highlighted through the depiction. जो आपके पास पिताजी है उसकी जो असहायता है या वो अपने आप को नहीं कर पा रहा है वह यहाँ पर इस प्रकार बताया गया. डिपिक्शन यानी शो किया गया ऑफ द इमोशनल स्ट्रगल दैट ही अंडरगोज. ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट एंड इज विलिंग टू रिजॉल्व इट बट द अनेबल टू डू सो. वह समझ लीजिए बच्चे की अपनी समस्याओं को समझता तो है, सॉल्व करना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पाता. ही लेमेंट्स हाउ हिज सन हैज बिकम अ स्ट्रेंज टू हिम. उस वह सोचता है कि उसका बच्चा जो बेटा है वह उससे कैसे अजनबी हो गया है. स्ट्रेंज यानी अजनबी हो जाना, यानी जैसे कि बेटा पिता को पहचानता ही नहीं, वही यहाँ पर कभी सोच रहा है. ही रिग्रेट्स द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विद हिज सन हु वॉज एलाइनेटेड विथ हिम एंड विशेष टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड रिबिल्ड देयर रिलेशनशिप. जो कि अब क्या हो गया है, पिताजी और बेटे के बीच में काफी अंतर हो गया है, ठीक है, और वह अपने बेटे के साथ और बेटा को अच्छा करके फिर से अपने नए सिरे से करना चाहता है और अपने रिलेशनशिप को क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है. लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को असहाय मानता है, अपने आप को इतना कमजोर मानता है और वह केवल इन चीजों को इमोशनली यहाँ पर फील करता है. ये इसका रिजल्ट आता है, मीनिंग आता है, ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है, ठीक है.